नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बायोस्कोप में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में दिन भर नीतीश कुमार की बैठक की चर्चा रही कि आखिर आपात परिस्थितियां ऐसी क्या हुई कि आनन फानन बैठक बुलाई गई। पहले जेडीयू दफ्तर में बैठक हुई, फिर सीएम हाउस में बैठक हुई और सांसद विधायक के साथ तमाम बड़े पदों पर आसीन अधिकारियों को बुलाया गया, संगठन और पार्टी से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया, फोटो सेशन भी कराया गया और बैठक भी काफ़ी देर तक चली। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे पटना संपादक एसके राजीव बने हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, जिस तरह से आनन फानन ये बैठक हुई है और संजोग ऐसा है कि अमित शाह जाते हैं उसके दूसरे दिन नीतीश कुमार आपात बैठक बुला लेते हैं, भले ही मुद्दा कुछ और बताया जा रहा हो, लेकिन लोगों के जेहन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर उदय, जो आपका सवाल है वो कई मायनों में जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जिस तरीके से अमित शाह पटना की धरती पर आए थे और लगभग 18 महीने बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका आमना सामना हुआ था, और आप जब तस्वीर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जब बूके देकर नीतीश कुमार सम्मानित कर रहे हैं अमित शाह को, तो दोनों की नज़रें जो हैं वो एक दूसरे से नहीं मिली हैं। लेकिन हालांकि उसके बाद थोड़ी ही देर बाद एक तस्वीर जो है वो सीएम हाउस से जारी की जाती है और उसमें अमित शाह बैठे हुए हैं और बगल में नीतीश कुमार बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके बात कर रहे हैं। तो राजनीति में जो है वो कब क्या हो जाए, ये चूँकि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और कब संभावनाएं किसके लिए बन जाए ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि आज सुबह से जेडीयू पार्टी कार्यालय में लगातार बैठक चलती रही, लगभग 3 बजे तक वहाँ बैठक चली और उस बैठक के बीच नीतीश कुमार जो हैं वो अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाए हुए थे, वहाँ पर वो जनता से मिल रहे थे। और उसके बाद ठीक लगभग 4:30 बजे के करीब अचानक एक खबर आती है कि सीएम हाउस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है, जिस बैठक में मीटिंग में कि तमाम जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी, उन तमाम लोगों को बुलाया गया। आनंद फानन में तमाम जो मीडियाकर्मी है वो सीएम हाउस पहुँचते हैं और वहाँ पर जब बैठक खत्म होती है लगभग 6:30 बजे के करीब, तो फिर जो बैठक से लोग बाहर निकलते वो कहते हैं कि नहीं, कर्पूरी जयंती को किस तरीके से मनाया जाए इस मुद्दे को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। हालाँकि कर्पूरी जयंती को लेकर के इतनी बड़ी बैठक जो है वो नीतीश कुमार बुलाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है कि संभवतः पहली बार हुआ होगा। निश्चित तौर पर इसके पीछे की बातें कुछ और हैं, लेकिन अब पर्दे के पीछे क्या कुछ खेल हो रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि अविनाश हमारे सहयोगी है, आज पूरे दिन ये जेडीयू कार्यालय में भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ बैठक इन्होंने काफ़ी करीब से देखा और उसके बाद सीएम हाउस भी ये पहुँचे, वहाँ भी इन्होंने विधिवत बैठक को कवर किया है। वहाँ के जो सांसद, जो विधायक, जो नेता वहाँ गए हुए थे उनसे इन्होंने बातचीत भी की है। अविनाश, क्या कुछ आपने देखा आज पार्टी कार्यालय में, क्या कुछ बैठक हुई और फिर सीएम हाउस में अचानक बैठक क्यों बुलाया गया? जी बिल्कुल, जेडीयू कार्यालय में जब एक बैठक बुलाई गई थी उसमें तमाम जो लोग हैं, जिला स्तर के भी जो नेता हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे थे और मुख्य रूप से जब प्रदेश अध्यक्ष से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने बैठक के पहले भी और बैठक खत्म होने के बाद भी, जब दफ्तर में जब बैठक खत्म हुआ, उन्होंने बताया कि ये जो बैठक था वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के 100वें जयंती समारोह मनाया जाए और कैसे भीड़ इकट्ठा किया जाए उसको लेकर किया गया था। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से भीम संवाद किया गया पटना के वेटनरी ग्राउंड में, उसी ग्राउंड में ये बैठक होगा जो 24 जनवरी को जो होना है। उस दरमियान उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से हम लोग जो है अनुरोध किए हैं कि आप वहाँ चले, मुख्य अतिथि तौर पर बिहार के जो सीएम हैं वो रहेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये भी कहा ऑन कैमरा कि जो एजेंडा या फिर जो बैठक में बात हुई है वो आपको हम लोग कैसे बता दें, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें जो हैं वो यहाँ भी जो अंदर रखा गया। वहीं उसके तुरंत बाद एक बड़ी खबर आई कि सीएम जो अपने खुद आवास पे कने मार्ग पे बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक में कई सांसद, विधायक और एमएलसी पहुंचे, और ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि कल ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो बैठक था उसमें मुख्यमंत्री और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो आमने सामने हुए, उनकी तस्वीर आई जो काफ़ी मुस्कुराते हुए तस्वीर, उससे भी कई सियासी मायने लगाए जाने लगे। आपने भी देखा होगा, इस पर हमारी खबरें भी चली और उसको लेकर ये जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। और इस बैठक खत्म होने से पहले भी और बैठक खत्म होने के बाद जो जेडीयू के सांसद एमएलसी जो निकल कर बाहर आए उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश, उनसे फीडबैक लिया, तो वो साफ तौर पर इस चीज़ को बता रहे थे कि जो बातचीत अंदर हुई, हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हम लोग का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और जिनको जिम्मेवारी मिली है कि भीड़ इकट्ठा करना है फिर से, जिस तरीके से वेटनरी ग्राउंड में जो भीम संवाद में जो भीड़ इकट्ठा हुआ उससे ज़्यादा इस बार इकट्ठा करना है, और करीब 128 विधानसभा क्षेत्र में वो लोग घूम रहे हैं, लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि इतनी बड़ी बैठक सिर्फ एक दिन में 10 घंटे के अंदर 2 बड़ी बैठक खुद सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी जो सियासत है इसको लेकर देखना हो क्या, अब जो चुनाव सामने है तो जो खिचड़ी है वो जरूर अंदर ही अंदर पक रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ये सब चीज़ बाखूबी जानते हैं कि कैसे चुनाव में आगे देखना है। हम आपसे फिर
बात करेंगे। हमारे साथ आफ्ताब हैं, ये भी आज पूरे दिन आरजेडी की गतिविधियों को इन्होंने काफ़ी करीब से देखा है। अचानक आफ्ताब, चूंकि आप लंबे समय से पटना में मीडिया को पॉलिटिकल पार्टी को कवर कर रहे हैं, आरजेडी के साथ आपकी करीबी भी है, ये जो अचानक आज दो दो महत्वपूर्ण बैठकें एक जदयू कार्यालय में होती है, फिर नीतीश कुमार के आवास पर होती है, इसको लेकर के आरजेडी में किस तरीके की गहमागहमी है? चूंकि अमित शाह के साथ लंबे समय बाद मुलाकात, फिर मुस्कुराता हुआ एक फोटो जो है वो सेशन होता है और फिर वो फोटो मीडिया को जारी किया जाता है, तो आरजेडी में इसको लेकर कितनी गहमागहमी? देखिए, साफ है कि आप भी जानते हैं, तमाम लोग भी जानते हैं कि जब भी जो भाजपा के जो एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के और फिलहाल के वक्त में गृह मंत्री अमित शाह, जिस तरीके से वो किसी राज्य में जब भी जाते हैं तो वहाँ जो है कि राजनीतिक चहलकदमी बढ़ जाती है। साफ है कि वो बिहार भी आए और इसी लेकर जो है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं साफ तौर पर जो है कि निशाना साधते, बहुत सारे सवाल भी पूछते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो विशेष राज्य का दर्जा है इसको लेकर के जो है कि आरजेडी निशाना साधा है कि आखिर भारत सरकार और केंद्र सरकार कब देगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की है, आज बैठक भी हुई है, तो इससे कुछ बड़े मायने निकाले जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो मोहन यादव हैं सीएम बने हैं जो मध्य प्रदेश के, तो यादवों का वोट बैंक एकत्रित करने का भी एक तरीका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। इन्हीं मुद्दे पर सुशील मोदी ने भी आज ट्वीट किया है, उन्होंने पूछा है कि आरजेडी से पूछा है कि आखिर जो है कि आरजेडी ने कभी किसी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अपने बेटे को बनाया, पिछले बार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी पत्नी को बनाया, तो इससे भी एक राजनीतिक रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता जो नीतीश कुमार की मुलाकात, अमित शाह की मुलाकात होती है, इस मामले के राजनीतिक मायने निकालने से मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री की बैठक होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीएम हाउस में मुलाकात नीतीश कुमार की अमित शाह की हुई है, जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और इसके राजनीतिक मायने क्या कुछ होंगे ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जदयू और महागठबंधन के जो साथी हैं इंडिया अलायंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके कुछ राजनीतिक मायने ज़रूर होंगे, लेकिन लिहाजा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है और आरजेडी के नेता जो लोग हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार करें इस मामले को लेकर। सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे, चूँकि कल की जो बैठक हुई है उस बैठक में आरजेडी के जो अभी मुख्य, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता हैं लालू यादव के बाद, वो तेजस्वी यादव हैं, उनको लोग पहचान नहीं पा रहे थे, तो उनके इस नए लुक के पीछे की क्या कहानी है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। आज मैंने भी जनता से और पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं से भी इस मामले में बातचीत की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा इशारों में कि तेजस्वी यादव जो है कि तिरुपति गए थे आंध्र प्रदेश, वहाँ जो है कि उनकी पत्नी का जो है कि मतलब सालगिरह था शादी का, उस लिहाज से भी देखा जाए। दूसरा कत्यानी जो उनकी बेटी है उनका जो कि मुंडन था, इसलिए जो है कि पूरे परिवार ने मुंडन कराया। इसके साथ साथ जो आखिरी बात पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि तेजस्वी यादव ये भी मन्नत मांगने गए थे कि 2025 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तब तो देखना होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, तो जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो नए लुक में जो नज़र आ रहे हैं तो पार्टी कार्यकर्ता नेता जो है कि इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए, जिस तरीके से गृह मंत्री के साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक हुई, तो उन्होंने उनको पहचाने भी नहीं आ रहे थे, लेकिन पार्टी के नेता जो युवा कार्यकर्ता हैं, जो पब्लिक हैं, वो तेजस्वी यादव को इस नए रूप में पसंद कर रहे हैं। उधर देखिए, दो चीज़ें थी, एक तो आज की जो सबसे बड़ी खबर थी वो लगातार मैराथन बैठक, दो दो बैठक जो कि लगातार नीतीश कुमार की है फिर जेडीयू में, और एक तेजस्वी के चेहरे को लेकर के जो है वो बिहार में एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या वाकई में 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यही मन्नत मांगने के लिए वो तिरुपति के बाला मंदिर गए हुए थे। और अभी जो एक बड़ी खबर जो आई है, जिस पर कभी हमारे सहयोगी आफ्ताब ने चर्चा किया और सुशील मोदी ने उसको लेकर ट्वीट भी किया है कि वाकई में आरजेडी जो है, जिसके विषय में यह कहा जाता है कि वो एक खास जाति की पार्टी है, लेकिन उस जाति से किसी भी व्यक्ति को आज तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अगर सिर्फ लालू परिवार को छोड़ दें, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विधिवत मध्य प्रदेश में जब ह्यूज मैंडेट मिलता है बीजेपी को, तो उसके बाद अगर कोई एक नया चेहरा और चौंकाने वाला चेहरा सामने आता है तो मोहन यादव का आता है। यानी कहीं ना कहीं से बिहार के मध्य प्रदेश के माध्यम से बीजेपी जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यादवों को एक मैसेज देना चाहती है कि अगर यादव को कोई भी एक पार्टी मुख्यमंत्री बना सकता है या सत्ता के शीर्ष पद पर बैठा सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी ही है। जी बिल्कुल, एक ये मैसेज आया है, उसके साथ साथ चर्चा इस बात की भी खूब हो रही थी कि सुनील सिंह जो आरजेडी के काफी करीबी हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, वो नीतीश कुमार पर लगातार तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते, निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते, तो अमित शाह नीतीश कुमार की मुलाकात को लेकर भी उन्होंने तंज कसा था क्या, उस पर भी आज भी कोई रिएक्शन सामने आया क्या?
नहीं देखिए उदय, सुनील सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि सुनील सिंह से जो कोई भी व्यक्ति जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में जवाब देते हैं, और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि जैसे ही मीटिंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी, जो एक फोटो जो है वो जारी किया गया था सीएम हाउस के द्वारा, उस फोटो को तुरंत वो अपने सोशल मीडिया पर वो लगाते हैं और उसके बाद फिर उस पर वो कमेंट लिखते हैं कि भाई मैं करूँ तो रासलीला, तू मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, तू करे तो रासलीला। तो कहीं ना कहीं से ये बगैर जो सुनील सिंह के जो राजनीतिक आका हैं लालू प्रसाद यादव, बगैर उनके इशारे के वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, ये भी तय है। चूँकि सुनील सिंह के विषय में यह कहा जाता है कि वो इन दिनों लालू प्रसाद के परिवार के सबसे करीब है, इवन कि जब लालू प्रसाद यादव जेल में थे तो रात में 11 बजे जाकर के राबड़ी देवी जो कि उनकी बहन है और उनके मुँह वाले भाई हैं उनसे जा करके वो मुलाकात करते हैं। इवन इस बार जो अगस्त में रक्षाबंधन हुआ था उस दिन वो विदेश में थे, लेकिन रात में जब वो पहुँचते हैं 10-10:30 बजे तो फिर वो राबड़ी आवास जाते हैं, वहाँ जा करके वो राखी बंधवाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मजबूत और प्रगाढ़ रिश्ता जो है वो लालू परिवार के साथ सुनील सिंह का है। तो बगैर लालू प्रसाद यादव या फिर बगैर उनके परिवार की सहमति के सुनील सिंह कोई भी काम नहीं करते। और कल जो वो फोटो जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर इसके पर्दे के पीछे भी कुछ कहानी जो है वो और है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं जिसमें कि वो नीतीश कुमार को डिमोरलाइज नहीं कर सकें। और यही वजह है कि कल जैसे एक पोस्टर हंसते हुए जारी किया जाता है उसको तुरंत वो सुनील सिंह जो है उसको अपने सोशल मीडिया पर वो उसको वो पब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर उस पर वो कमेंट करते हैं। जी उदय, बिल्कुल राजीव जी, तो कहा जा सकता है कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुए हैं, चाहे जेडीयू की बैठक हो या अमित शाह का आना, मुलाकात बीजेपी नेताओं नीतीश कुमार से मुलाकात, तो लगता है कि नतीजा सामने आने में फिलहाल वक्त लगेगा। नहीं देखिए, बिल्कुल आपको पता है उदय कि जब वोट डाले जाते हैं बैलेट, जब गिराए जाते हैं बैलेट बॉक्स में, तो उसके बाद चुनाव परिणाम आने में भी लगभग 3 दिन का वक्त लगता है। तो निश्चित तौर पर अगर बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होगा तो उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इतना तय है कि चूँकि अमित शाह ने कल जिस तरीके से जाते जाते मीडिया को एक उन्होंने बाइट दिया था और यह कहा था कि भाई नीतीश कुमार की पुनर्वापसी जो है वो अब बीजेपी के भीतर संभव नहीं है, दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि भाई जो भी के जो बागी नेता हैं वो अगर आते हैं आपके साथ यानी कि बीजेपी के साथ तो फिर उनको उनका आप स्वागत कीजिए। लेकिन आपको याद होगा कि जब 2017 में जब पुनर्वापसी हुई थी नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ, तो उसके पहले भी कुछ इसी तरीके की बयानबाजी जो है वो होती थी और फिर अचानक ऐसा होता है कि नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो राजनीति में कब क्या हो जाएगा और उठ किस करबत बैठेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबके बीच इतना तय जरूर है कि अमित शाह जब भी किसी भी प्रदेश में जाते हैं और वहाँ पर अगर उनकी सरकार नहीं होती है तो वहाँ पर जो है जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां होती है उनको यह लगता है कि अमित शाह जब यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ खेला करके जाएंगे। और अभी देखिए आप कि कर्नाटक से भी एक खबर आ रही है कि कर्नाटक में भी जो है वो वहाँ पर फिर सियासी एक बार उठापटक का खेल जो है वो शुरू होने वाला है। तो राजनीति और राजनीति में कब कहाँ क्या किस वक्त हो जाए ये कहना, उसका पूर्वानुमान लगाना जो है वो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत जो है वो शुरू से कई मामलों में बदलाव का एक नायाब उदाहरण जो है सो पेश करती रही है, लेकिन इस बार वो नायाब क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए एस के राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में क्या होता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। बिहार के साथ साथ देश के दूसरे लोगों को भी इसका इंतज़ार होगा कि वहाँ की सियासत में आने वाले दिनों में क्या कुछ नया देखने को मिलता है।